हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइब मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है। और हम जो डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज डिस्कस कर रहे हैं। परसेंटेज में हमने कई पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये पार्ट जो है ये आज हमारा पार्ट है 30, ठीक है। और लास्ट पार्ट जो था उसमें मैंने प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। अब उससे आगे की एप्लीकेशंस अपने को करनी है, ठीक है कॉन्सेप्ट यही है। और देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। ए इंटू बी इज इक्वल टू सी सेम ही चीज है ना। अगर आप समझो तो पैटर्न वो सेम ही है। चलो, और आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे भाई। तो आते पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ प्राइस ऑफ व्हीट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, ए पर्सन enables to buy 7 kg more wheat in 1540 rupees. Find actual and decreased price of wheat per kilogram. ये कह रहा है कि यदि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 1540 रुपए में 7 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम गेहूं का वास्तविक और घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो दो तीन चीजें पहले समझना कि जो एक्सपेंडिचर है यानी कि जो हमारा खर्चा है, ये जो खर्चा है यहाँ पे ये क्या है, फिक्स्ड है ना। यानी कि एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है। पहले भी कितने रुपए खर्चे होते थे, 1540, और अब भी कितने रुपए खर्चे होते हैं, 1540। मतलब आपको 1540 रुपए ही टारगेट दिया था, उतने रुपए में ही आप 7 किलोग्राम ज्यादा खरीद पाए। समझे बात को। यानी कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो गया फिक्स्ड, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है, निश्चित है ये। यानी कि जितना व्यय पहले हो रहा था उतना ही व्यय अब भी हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं अब तक। तो देखो, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। और एक्सपेंडिचर भी कैसा है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो अगर मैं ये कहूं कि ए पर्सन इनेबल्स टू बाई 7 किलोग्राम मोर, और ये चीज देखो 20% क्या किया है, प्राइस कम किया है। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कंजम्पशन बढ़ेगा भाई। यानी कि रुपए में कमी आई है तो हमारी खपत बढ़ेगी, यानी कि चीज वो सस्ती हो गई कुछ। समझे बात को। अगर ये चीज सस्ती हो गई है तो 20% जो होता है, 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5। तो 5 में 1 की कमी आ रही है। इसका मतलब प्राइस 5 रुपए हुआ करता था, 5 में 1 की कमी आई, प्राइस रह गया हमारे पास कितना, 4। तो कंजम्पशन हमारा 4 में 1 की बढ़ोतरी आएगी और कितना हो जाएगा, 5। अब आप खुद सोचो ये जो बढ़ोतरी आई है, इस बढ़ोतरी के मीनिंग क्या है। ये जो बढ़ के आया है 1 की जो बढ़ोतरी है, क्या मैं ये नहीं कह सकता ये 7 किलोग्राम ज्यादा वाली वैल्यू है कि पहले हमारा कंजम्पशन 4 हुआ करता था, अब 1 की बढ़ोतरी होगी तो अब हो गया 5। और एक्चुअल में क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 7 किलोग्राम हम ज्यादा खरीद पाए। तो ये जो 1 है, इस 1 की वैल्यू जो है मैं लिख सकता हूं 7 किलोग्राम है कि नहीं, ये बताओ भाई जरा सोच के इस बात को। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यही तो समझना है हमको। तो ये 1 जो है वो 7 किलोग्राम है कि नहीं, इस बात को बस समझ गए तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं। अगर 1 की वैल्यू 7 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सत्ते कितने हो जाएंगे भाई, 28। 4 सत्ते हो जाएंगे 28, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सत्ते 35। यानी कि पहले आप 28 किलोग्राम खरीदा करते थे, अब आप 35 किलोग्राम खरीदते हो, तो जो गैप आया वो 7 किलोग्राम का आ गया कि नहीं आ गया भाई। आई होप कि अब आपकी बात समझ में आ गई हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो पहले पैसा खर्चा हुआ करता था 1540, वही अब हो रहा है। तो पहले 28 किलोग्राम 1540 में खरीदे जाते थे, तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी है, तो 1540 डिवाइड बाई 28 कर दिया जाए तो 14 से 110 डिवाइड बाई 2 कर दो ना, कितना देगा, 55 रुपए पर किलोग्राम। तो मेरा आंसर तो मुझे दिखाई देगा, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है। 55 और 44 आ जाएगा, क्योंकि अब जो है 35 किलोग्राम जो है हम वो 1540 रुपए में खरीद के लेके आ रहे हैं। तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी आ जाएगी, 1540 डिवाइड बाई 35 कर देना, और आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 44 रुपए पर किलोग्राम। तो मैंने जो जो चीज समझाई, आपको लग रहा होगा काफी कुछ बता दी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जो कल किया था उसी पर आगे बढ़े हम। यानी कि मैं ये कह सकता हूं अब डायरेक्टली कि एक तो देखो ऑप्शंस की अप्रोच के थ्रू भी आप इस क्वेश्चन पर चल सकते थे, लेकिन हमने हमेशा थोड़ा कम करते हैं। देखो क्या कह रहा था, ए प्राइस ऑफ व्हीट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, तो पहले 25 से 35 कैसे हो जाएगा, 20% का डिक्रीमेंट आ रहा है, ये गलत हो गया। क्या ये 20% की डिक्रीमेंट है? नहीं है भाई। इन दोनों में चेक करना है अपने को कौन सा आंसर हो सकता है, तो ट्राई करके देखना था आपको। भाई ये तो 60 से कट भी नहीं रहा, तो ट्राई करने की जरूरत ही नहीं थी, 55 वाले को ट्राई करके देख लेते, आंसर तो हमारा यही आ जाता। ठीक है, चलो ये तो ऑप्शंस के अप्रोच के थ्रू की बात होगी और सॉल्यूशन भी बता दिया। एक और तरीका हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर चल रहा है। ठीक है, अगर 20% बढ़ा गिरा प्राइस, यानी कि 1/5 से अगर प्राइस कम होता है तो 1/4 से कंजम्पशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? अगर आप इतना समझ गए कि 1/4 से कंजम्पशन बढ़ा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 1/4 जो है ना, इस 1/4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 किलोग्राम, जो कंजम्पशन हमारा बढ़ गया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 चौके 28 किलोग्राम, कितनी आ जाएगी, 28 किलोग्राम। तो 1 क्या होता है हमारा, 1 होता है हमारा 100%, यानी कि हम इतना खरीदते थे पहले, तो 28 किलोग्राम की कीमत आ गई यहाँ से। तो 28 किलोग्राम की कीमत अगर 1540 आ गई है, तो भाई 1 किलोग्राम की कीमत कितनी होगी, तो आपने अभी निकाला है कि 55 रुपए/kg हो जाएगा। तो पहले 55 हुआ करती थी, अब 44 हो जाएगी। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके के थ्रू जाके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन को हम बहुत तेजी के साथ सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। देखो बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है कि इफ प्राइस ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड बाय 30%, ए शॉपकीपर एनेबल्स टू परचेज 300 लेस एक्स इन 9100 रुपीज, फाइंड एक्चुअल एंड इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ एन एग। अब तो भाई सॉल्व कर दिया जाए। क्या कह रहा है, अंडे की कीमत में कीमत 30% बढ़ जाती है, जिससे एक दुकानदार 9100 रुपए में 300 अंडे कम खरीद पाता है। 300 अंडे कम खरीदने का मतलब समझ रहे हो आप, कंजम्पशन कम हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगी। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, और वो भी कैसा है, कांस्टेंट। 9100 रुपए तुम पहले खर्चा कर रहे हो, 9100 अब कर रहे हो। 30% क्या होता है भाई, 3/10 नहीं होता क्या, बताओ जरा मुझे। तो 10 रुपए में 3 की वृद्धि कर दी जाए, कितना हो जाएगा प्राइस, 13। तो कंजम्पशन 13 से कहां पहुंचेगा, 3 की कमी के साथ 10 पे आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा सोच के भाई इस बात को। बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर ये इस पे आ गया, 3 की कमी आ गई, तो ये 3 की कमी में किसके बराबर लूंगा, 300 के बराबर लूंगा कि नहीं लूंगा, क्योंकि 300 ही तो कम खरीद पाते हैं। तो 3 की वैल्यू 300 आ गई। 3 की वैल्यू अगर 300 है तो 1 की वैल्यू कितनी लिख दूं भाई, 100 लिख दूं कि नहीं लिख दूं, बताओ जरा। तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300 आएगी नहीं आएगी, और 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 1000 आएगी नहीं आएगी। यानी कि आप 1300 अंडे पहले खरीदते थे और अब 300 कम कर दो इसमें से, तो कितने रह गए, 1000 अंडे रह गए कि नहीं रह गए। और कितने रुपए खरीदते हो भाई इनको, 9100 रुपए का। तो यहाँ प्राइस कितना आ जाएगा, 9100 में 1300 से डिवाइड कर देना, और यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, इस 9100 को 1000 से डिवाइड कर देना, एक एक अंडे का मूल्य निकल के आ जाएगा। तो 13 से 91 होते हैं, तो यहाँ तो प्राइस 7 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 9.1, यहाँ से 9.1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा अपना, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। बताओ हुआ कि नहीं हुआ, सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रेशियो के तरीके से भी बता देता हूँ कैसे रेशियो के तरीके से सॉल्व करोगे। देखो प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या है अपना, एक्सपेंडिचर दे रखा है। देखो 30% जो होता है वो होता है 3/10, तो 3/10 से अगर कोई वैल्यू बढ़ती है तो 3/13 से वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। कल बता चुका हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं कैसे इसको सॉल्व आउट करना है आपको। तो 3/13 अगर कंजम्पशन हुआ तो 3/13 की वैल्यू तो दे रखी है अपने को 300, हाँ के ना। तो 3 से कट जाएगा ये 100 बार, तो 1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 13 का गुणा करना है इसमें, कितना आ जाएगा 1300। यानी कि पहले कितने अंडे खरीदते थे भाई, 1300। तो 1300 अंडे खरीदते थे 9100 रुपए के, तो एक अंडे की कीमत ना निकाल पाओगे, 9100 डिवाइड बाई कितना कर दूं, 1300। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 7 रुपए। तो आप ऑप्शन देखते ही टिक कर सकते हो ना 7, दूसरा सॉल्व करने की जरूरत क्या है फिर, 7 और 9.1 आ गया आंसर अपना। समझे बात को आप कुछ? तो भाई इसी तरीके से सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, इनमें कुछ भी नहीं है, दम ही नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ प्राइस ऑफ ए टॉय इज डिक्रीज्ड बाय 40% ए शॉपकीपर enables to purchase 64 more toys in 4,000 rupees. Find actual and decreased price of a toy. बस सेम कहानी के, अगर किसी खिलौने की कीमत में 40% की कमी आती है तो एक दुकानदार 4,000 रुपए में पहले से 64 अधिक खिलौने खरीद पाता है, तो एक खिलौने का वास्तविक और घटा हुआ मूल्य बताना है भाई। करते हैं, देखो देखो 4,000 रुपए फिक्स है, पहले भी 4,000 रुपए खर्चा किया करते थे, आज भी 4,000 रुपए खर्चा करते हो, तो कर दिया जाए सॉल्व इसको। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, एक्सपेंडिचर, और वो एक्सपेंडिचर भी कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। क्या कह रहा है, 40% भाई, 40% तो सभी जानते हो 2/5 होता है, तो 5 में 2 की कमी आ गई ना प्राइस में, 5 में से 2 कम कर दो, प्राइस कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा ना, तो कंजम्पशन 3 से 2 की वृद्धि के साथ कहाँ जाएगा भाई, 5 पे, बिल्कुल जाएगा 5 पे। और आप लोगों को ये पता है कि 2 बढ़ के आया है ना, ये 2 ये किसके बराबर है, कितने ज्यादा खरीदे, 64, तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर है भाई, 64 के बराबर है कि नहीं है, हाँ भाई बताओ जरा, 64 के बराबर आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर ये 64 आ गई है तो 64, 2 की वैल्यू आ गई है 64, तो 1 की वैल्यू 32 आएगी, 1 की वैल्यू 32 आएगी तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। समझे, पहले 96 खरीदते थे, अब 160 खरीदते हैं, कितने की बढ़ोतरी हो गई, 64 की बढ़ोतरी हो गई कि नहीं हो गई। रुपया कितना खर्चा कर रहे हो भाई, 4,000, यहाँ से शॉर्ट आउट नहीं कर सकते क्या बताओ, 96 की कीमत 4,000, 1 की कीमत कितनी आएगी बताओ, कुछ बचा इन क्वेश्चन में बताओ। देखो तो 96 की कीमत है 4,000, तो इसको किसे 4 से काट लिया जाए पहले 24 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा, 1,000 बार कट जाएगा, 8 से 3 बार काटो, 8,000 3 से 125 बार कट जाता है, और 3 चौके 12 और 41.66 रुपीज तो पहली कीमत आ जाएगी। देखो ऑप्शंस इसके गलत दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शंस को पे मत जाना। और नई कीमत जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4,000 को 160 से डिवाइड कर देना, ठीक है, तो 8 दूनी 16 होते हैं और 8 पंजे 40 होते हैं, तो नई कीमत कितनी आ जाएगी भाई, 25 रुपए पर टॉय। ठीक है, तो पुरानी कीमत थी 41.66 रुपीज पर टॉय और नई कीमत है 25 रुपए पर टॉय। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे रेशो के थ्रू, सीपीआर मेथड के थ्रू, तो उसके थ्रू कैसे सॉल्व करोगे भाई, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर दे रखा है अपने को, 40% जो होता है 2/5 होता है, 2/5 से जो है प्राइस हो रहा है कम, तो 2/3 से प्राइस कैसा, कंजम्पशन कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना भाई। ये देखो ये चीज तुमको समझनी पड़ेगी, पकड़नी पड़ेगी। और 2/3 जो होगा वो कितने के बराबर दे रखा है अपने को, 64, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा भाई, 32 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 किया होते हैं 96, तो पहले 96 का पड़ता था वो हमको, तो 96 4,000 क्या देते, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 41.66 रुपये, तो यहाँ से दोनों निकाल सकते हो, तो पहले 96 थे, फिर 96 में 64 और जोड़ लेना भाई, अब कितने खरीद पाते हो, 160, और 160 के हिसाब से कीमत कितनी आ जाएगी, 25 रुपए आ जाएगी। आई होप कि आपकी समझ में एक एक चीज आ गई होगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने इस पर कई क्वेश्चन ले लिए है ना, इंटरेस्टिंग है ये। अब क्या कह रहा है, ए रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल enables a person to buy 3 किलोग्राम more for 100 रुपीज। Find the reduced price of an article per kilogram। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला, थोड़ा सा ध्यान दे लेना बस। यदि किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलो अधिक खरीद सकता है उस वस्तु को, है ना। तो उस वस्तु की घटी हुई कीमत क्या होगी, तो घटी हुई कीमत पूछी हमसे, तो दिखाओ 21% का रिडक्शन है भाई, 21% रिड्यूस करना है। 21% में देखा जाए तो ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी कि ये एक विषम संख्या है, ये एक विषम संख्या है, तो 100 के साथ इसका तालमेल बनेगा नहीं, तो एज इट इज लिख देते हैं कि प्राइस है इंटू कंजम्पशन है इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है। देखो एक्सपेंस चेंज नहीं हो रहा है, 100 रुपये खर्चा पहले हो रहा था, 100 रुपये अब खर्चा हो गया ना। देखो समझ लेना दोनों, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों देख लेना इस चीज को। 100 रुपये खर्चा पहले हो रहा था और 100 रुपये खर्चा अब हो रहा है, खर्चे में कोई कमी बढ़ोतरी नहीं हुई। 100 रुपये फिक्स्ड प्राइस, ठीक है। एक्सपेंडिचर कैसा हो गया हमारा, यहाँ से एक्सपेंडिचर हमारा कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। देखो 21% की आई है कमी, प्राइस अगर 100 था, 100 में अगर 21 कम कर दूं भाई तो ये कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ जरा। और कंजम्पशन जो मेरा होगा वो 79 में 21 की बढ़ोतरी के साथ 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसी तरीके पे चल रहा हूं जिस तरीके से बढ़े हैं आगे, समझना ध्यान से बात को। 79 है ये अपना, ठीक है। 79 में 21 की बढ़ोतरी, ये 21 की बढ़ोतरी कितने के बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, 3 किलो के बराबर, समझे बात को। ये 21 की वैल्यू 3 किलो दे रखी है भाई, एक की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 3/21 यानी कि 1/7 किलोग्राम आएगी, नहीं आएगी बताओ जरा। 1/7 किलोग्राम आ जाएगी। तो अब आप कितना खरीद पाते हो, तो देखो भाई 79 की वैल्यू आ जाएगी 79 into 1/7, 100 की वैल्यू आ जाएगी 100 into 1/7। तो 100 वाली वैल्यू मुझे घटी हुई कीमत निकालनी है 100/7। तो 100/7 किलोग्राम आप खरीद पाते हो 100 रुपए में, तो 1 किलोग्राम कितने में खरीद पाओगे भाई, 100 / 100 × 7 आ गया आंसर, 7 रुपीज। हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व, बताओ क्वेश्चन। उसी तरीके पे चले, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस समझना ये कि डिजिट थोड़ी सी उल्टी सीधी आ गई है। अब देखो रेशो से कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर भी कैसा है, कांस्टेंट है। 21% की कमी आ रही है भाई, 21% होगा 21/100। 21/100 से कोई वैल्यू अगर कम हो रही है, 21/79 से वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ जरा, मुझे इस बात को सोच के बढ़ाओ, बताओ इस बात को। ठीक है। अब ये 21/79 जो दे रखा है अपने को, क्या ये 3 किलोग्राम नहीं दे रखा है क्या अपने को, बताओ जरा मुझे। हाँ, तो अगर ये 3 दे रखा है तो 1 की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी ना अपने को, तो 1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 3/21 into 79। तो कितनी आ जाएगी भाई, 79/7 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। कौन सी वैल्यू आ गई है, ये वाली, देखो ये वाली, ये भी तो 79/7 आ गई थी, ठीक है। और नई वैल्यू कितनी आएगी, 79/7 में 3 जोड़ देना भाई, तो कितनी आ जाएगी, 100/7 किलोग्राम। तो ये 100/7 किलोग्राम खरीद रहे हो 100 में, तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी आ जाएगी, 7 रुपए। तो आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करना, चाहे तो ऊपर वाले मेथड के थ्रू सॉल्व करना, चाहे इसके थ्रू। देखो थोड़ा सा डिजिट अजीब सी है तो आपको परेशान कर सकती है, अदरवाइज क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 1-2 बार रिपीट कर लेना, उसमें कोई बुराई नहीं है, है ना। रिपीट कर करके देखना क्या बताया है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है। देखो भाई सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आया था और इसी पैटर्न पे बेस्ड था, सक्सेसिव परसेंटेज के पैटर्न पे ही बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे उठा लिया, ठीक है। क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज्ड बाई 20%, however its consumption decreased by 1/3%. What is the percentage increase or decrease in the expenditure on it? तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, हालांकि इसकी खपत में 8 से ही 1/3% की कमी आई, तो व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो। अब सोचने वाली बात यह है भाई कि क्या ये यही कॉन्सेप्ट नहीं है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, समझे बात को। मूल्य गुणा खपत बराबर खर्चा। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है पता है, यहां पर हमारा व्यय फिक्स नहीं है, ये चेंज होगा। अब ये चेंज कैसे कैसे करना है आपको, तो मैं एक सक्सेसिव परसेंटेज का आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूं, यहां पे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखो भाई 20% बढ़ा दो एक बार वैल्यू को, और अगली बार क्या करना है, डिक्रीज बाई 8/3%, ये कम कर दो। अब आप कहोगे कि ये जल्दी जल्दी कैसे करना है, तो सक्सेसिव परसेंटेज की क्लास उठा के देख लेना एक बार, ठीक है। पार्ट 3 बनाया शायद या 4th पार्ट है, वही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, उनको ध्यान से देख लेना, आंसर आंखों के सामने होगा। 20% होता है 1/5, 1/5 से तो कोई वैल्यू बढ़ानी है, और 8/3 कितना होता है भाई, देखो 8 होल 1/3% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आएगा 25/3%, और फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 25/3 को मल्टीप्लाई बाई 1/100 कर देना, कितना आ जाएगा 1/12। ठीक है, बाकी एक और चीज बता देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना। 25% बेटा होता है 1/4, और 25% डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 1/12, है ना। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख लोगे तो ये तुरंत कन्वर्जन तुम्हारे सामने हो जाएंगे, अदरवाइज तो फिर तुम्हें टाइम लगेगा, है ना। ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 5 से वैल्यू बढ़ेगी 1, कहाँ पहुंचेगी 6 पे, और 12 में 1 की कमी आने वाली है, और 12 में 1 की कमी आएगी, वैल्यू कहाँ पहुंचेगी 11 पे, और दोनों में क्या कर दोगे मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आप चाहो तो ऐसे लिख दो कि 60 से कहाँ पहुंच रहे हो भाई 66, या ये भी तो लिख सकते हैं इसको 6 से काट दो, 10 से कहाँ पहुंचोगे 11 पे। 10 में कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है 1 का, 1/10, तो मेरा आंसर कितना आ गया भाई इंक्रीज बाई 10%। है कुछ बताओगे इस क्वेश्चन में 10% क्या हो जाएगी वैल्यू, इंक्रीज हो जाएगी भाई। ठीक है, अच्छा अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आपको एक और तरीका बताता हूं मैं, आप उस तरीके से चले जाना। देखो दो वैल्यूज ही तो है यहाँ पर 20% और 8 होल 1/3% है। ठीक है, तो 20% जो होगा आप देखो प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होगा एक्सपेंडिचर। तो आप मुझे बताओ 5 से वैल्यू 6 जा रही थी और ये था 1/12, ये कमी हो रही है, और 12 से वैल्यू 11 पे जा रही थी 1 की कमी के साथ। भाई ये तो चल रहा था 60 और 66 का चक्कर था ना, 6 बढ़ गई वैल्यू 60 पे, तो 10% सीधा सीधा इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, है ना। समझ गए होगे, बिल्कुल समझ में आया होगा। अच्छा अगर वैल्यू 100 लेके चलूं मैं, अब बात को बहुत ध्यान से समझना भाई, अगर वैल्यू को मैं 100 लेके चलूं, है ना, 100 लेके चला मैं वैल्यू को, ठीक है, और 100 लेके चलने के बाद पहले मैंने उस वैल्यू को 20% बढ़ाया। 20% जैसे तुम उसको बढ़ाओगे तो तुम कहां पहुंच जाओगे बेटा 120, और फिर 8 सही 1/3% होता है 25/3%। 25% डिवाइड बाई 3 कर देना, तो 120 जो होता है ना तुम्हारा 120 का 25% डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 30, उसको भी डिवाइड बाई 3 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 10 होगा कि नहीं होगा। दोबारा समझो, 120 का 25% का डिवाइड बाई 3 करना है, तो 120 का 25% 1/4 हिस्सा 30 डिवाइड बाई 3 करो, कितना आना चाहिए भाई 10 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और ये मेंटली कैलकुलेट करना है आपको, 10 कम कर देना, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 110। अब कोई भी बता सकता है इजीली कि अगर ये 100 है भाई और 100 से कहाँ पहुंच गए आप 110 पे, तो प्लस का 10 हो रहा है कितने पर 100 पे, तो 10% का इंक्रीमेंट है कि नहीं है। तो क्या ये तरीका बुरा है क्या, तो ये भी तरीका तुम अप्लाई कर सकते हो। समझे बात को, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी तो मैंने एक क्वेश्चन दिखाया है, मेंस में तो कितने क्वेश्चन आए हैं जहां पर मार्कअप किया है, पर प्रॉफिट लॉस के कितने सारे क्वेश्चन मेंस में ऐसे पूछे गए, लगातार हर शिफ्ट में आए, प्री में, मेंस में, हर जगह क्वेश्चंस बनते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के। तो मेरा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला जो भी लेसन है वो ढंग से देख लेना एक बार, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे एक और बढ़िया जबरदस्त सेशन लेकर मैं आता रहूंगा। अब हम क्वेश्चंस पर ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस ही करेंगे। अभी वोटिंग वाले क्वेश्चंस भी मुझे बताने हैं, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाने हैं आपको। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, थैंक यू।